हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपसा रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी का रसभरी या सूजी का मिठाई, जो खाने में बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल गुलाब जामुन के जैसे बनते हैं। देखिए, मैं इसे काट के भी दिखा रही हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है। और इसके अंदर जो स्टफिंग है वो भी दिख रही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रसभरी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर, घी, मैदा, बेकिंग सोडा, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट। और मुझे चाहिए 2 कप दूध, बारीक सूजी, नारियल के कुरादा जिसे मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था, चीनी, और स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे 3 पेड़े ली है। 1.5 पेड़े को टुकड़े टुकड़े करके इसका पाउडर तैयार कर लूंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी के लिए एक बर्तन में 1 कप चीनी डाल दूंगी, उसी कप से 1 कप पानी डाल दूंगी, साथ ही इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची की पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिला लूँगी। यहाँ पे टेम्परेचर को हाई कर देंगे और उबाल आने तक चलाते रहेंगे। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस हल्का सा तेल जैसा चिपचिपा हो, हमें कोई तारवार नहीं चाहिए। रसभरी बनाने के लिए हम पैन में 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। घी को पूरी पैन में अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसमें 1 कप बारी सूजी डाल देंगे और सूजी को अच्छे से चलाते रहेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर को लो कर देंगे और सूजी को 5 मिनट तक भून लेंगे। सूजी को हल्का ही भूनना है, इसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना है। अब मैं इसमें 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दूंगी। आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, जो आप चाहें। इसे भी अच्छे से मिला देती हूँ। यहाँ पे 1/2 चम्मच इलायची की पाउडर डाल दूंगी। और 4 चम्मच नारियल की कुरादा डाल दूंगी। इसे मैंने घर में ही कूट के हल्का सा फ्राई करके रख दिया था। इसे भी सूजी के साथ अच्छे से चला लेती हूँ। सारी चीजें फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। मैंने आज को यहाँ पे धीमी करके रख दिया है। अब मैं धीरे धीरे दूध डालते रहूँगी और इसे चलाते रहूँगी। मैंने सारे दूध एक साथ डाल दिए और जब तक सूजी सारा दूध एब्जॉर्ब ना कर ले, तब तक हम कच्ची को इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, सूजी ने पूरा दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है और सूजी का एक डो बन के तैयार हो गई है। अब हम इंडक्शन को ऑफ कर देंगे और सूजी को एक थाली में रख देंगे। सूजी को अच्छे से फैला लेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। सूजी हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच मैदा डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा या मीठा सोडा डाल देंगे। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ ताकि हाथ में चिपके नहीं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। सूजी हल्का सा गर्म होना चाहिए, तभी इसका पेड़े अच्छे बनेंगे।
इस सूजी की डो में से छोटे छोटे लोई काट लेंगे। और दोनों हाथों के बीच में इस तरह से बॉल बना के इसके बीच में एक होल कर देंगे और जो मैंने पेड़े की पाउडर बनाई थी उसे इसके अंदर डाल दूंगी और इसे अच्छे से कवर कर दूंगी। फिर से इसकी अच्छे से बॉल तैयार कर लूंगी ताकि ये फटे नहीं। इसे हाथों के बीच में ऐसे रख के थोड़ा सा प्रेस कर लूंगी। आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो गोल भी रख सकते हैं। तेल गर्म हो चुकी है, इसमें एक छोटी सी सूजी की बॉल डाल दूंगी। मैं चेक कर लेती हूँ तेल गर्म हुई कि नहीं। देखिए सूजी की बॉल ऊपर आ गई है, इसका मतलब तेल अच्छे से गर्म हो चुकी है। मैंने सारे पेड़े को तैयार कर लिया है, अब एक एक करके पेड़े को तेल में डालते रहूंगी। मैं यहाँ पे टेम्परेचर को हाई ही रखूंगी। मैंने सारे पेड़े को डाल दिया है और उसे एक मिनट फ्राई कर लूंगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना ये डार्क कलर की आ जाएगी। सारे पेड़े ऊपर आ गए हैं, अब मैं इसे पलट दूंगी। जब तक ये नीचे से फ्राई नहीं हो जाता है तब तक हम इसको पलटेंगे नहीं, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि टूट भी सकते हैं। धीरे धीरे सारे पेड़े को इसी तरह से पलट देंगे। दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसको उठा लेंगे और एक प्लेट में रख दूंगी। पेड़े हल्का सा ठंडा हो गया है, अब हम इसको चाशनी में डाल देंगे। चाशनी पूरी तरह से ठंडी है, मैंने इसे गर्म नहीं किया है, ऐसे ही रूम टेम्परेचर में रख दिया था। सारे पेड़े चाशनी में डाल के 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि पेड़े चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। सूजी की रसभरी बनके तैयार है, चाशनी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है और ये पहले से और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन गई है। अगर आप इस तरह की नई नई रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।